रात्रि इस कोतवाल ने हमारी बहन को भूमि पर पटका, और जब वो उसके पैरों के निकट से जा रही थी तो इस अधम मानव ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। नहीं 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 महाराज, मैंने इनकी बहन को नहीं मारा, वो तो मेरे हाथों से छूट गई थी, मैंने तो उसे खोजने का प्रयास भी किया था। हाँ, और उसी क्षण तुमने अपने पैरों से उसे कुचल दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतनी रात्रि को किस प्रयोजन से वन में गए थे, वो भी एक सर्प के साथ। आप वहां कर क्या रहे थे? अब तुम्हारे गए गुरु, अब हम क्या करेंगे? कोतवाल जवाब दीजिए। मैं आचार्य के साथ था। फंसा बुड्ढा, साथ में हम भी। गुरुवर, रात्रि, कोतवाल, सांप और आप, स्पष्ट करेंगे हुआ क्या था। महाराज, आपको तो भली भांति ज्ञात है हमारी धर्म पत्नी वरुण माला आए दिन हमारा अभिषेक करती रहती है। अब उनकी अभिलाषा थी कि हमारा अभिषेक सर्प के साथ हो, और वो भी वास्तविक सर्प के साथ। बस महाराज, उसी प्रयोजन से हम वन में सर्प की खोज में चले गए। परंतु यह स्त्री जो कह रही है महाराज, ये मनगढ़ंत कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये बस असत्य भाषण कर रही है महाराज। ये इच्छाधारी नाग, नागिन, ये सब तो कथाओं में बाल्यकाल से हम सुनते चले आ रहे हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं महाराज? अब आप सभी को विश्वास हुआ? पंडित रामकृष्णा, महाराज। पंडित रामकृष्णा, अपना आसन छोड़िए और हमें इस विषय में परामर्श दीजिए। आप क्या विचार करते हैं इस विषय में? मैं क्या बोलूं महाराज, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सर्प, ये इच्छाधारी नागिन, ये हो क्या रहा है? अरे कोतवाल जी, आपने क्या किया? महाराज, हमें आपसे न्याय की अपेक्षा है, आप न्याय देंगे या नहीं? अवश्य अवश्य आपको न्याय मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। वो क्या है कि प्रथम बार हमारे राज दरबार में कोई इच्छाधारी नागिन हमसे न्याय की अपेक्षा कर रही है, तो हम किसी को भी ऐसे मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। हमें सोचने का समय दीजिए। ठीक है, जितना सोचना है आपको आप सोच लीजिए, परंतु आप जानते तो है ना कि सर्प प्रजाति प्रतिशोध लेने के लिए विख्यात है। अब तक तो सारे सर्प जाति का समूह अपना प्रतिशोध लेने के लिए आ ही रहा होगा। आपके इस विजयनगर साम्राज्य पर सर्पों का प्रहार होगा, और आप में से कोई भी सर्पों से सुरक्षित नहीं है। सारे सर्प अपनी भगनी के मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। हमें तो अभी आभास हो रहा है कि आपके इस राजमहल में कोई विषैला संकट आ चुका है। कोई अत्यंत विषैला और खतरनाक संकट। अरे रामा, खिड़की बंद करके सोना, देख कैसी बिजली की चमक और गड़गड़ाहट हो रही है।
ऐसे ऐसे में यह घटना का घटित होना कोई शुभ संकेत नहीं है। अवश्य ही विजयनगर पर किसी संकट की आगमन की संभावना है। संकट? कैसा संकट बंधु? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू अवश्य ही दरबार में घटित उस नागिन के प्रसंग से विचलित हो गया है। कुछ नहीं होगा, सो जा सो जा। शारदा, शारदा वहाँ सर पे देखो ना, वहाँ सर पे। क्यों हमें निद्रा से जगा रहे हैं? पुनः आपको सर दिखने लग गया? सो जाइए, हमें भी सोने दे। तुम सही कह रही हो, मुझे कल की भांति भ्रम हो रहा है। अवश्य किसी रस्सी की परछाई होगी। मेरा मस्तिष्क व्यर्थ ही भ्रमित हो रहा है। शारदा वहाँ सर्प है। शारदा, कैसे डरपोक व्यक्ति से विवाह हो गया है हमारा? डरपोक? मैं डरपोक? डरपोक नहीं तो, अच्छा साहसी पुरुष है ना, तो जाइए जाकर उस सर्प को बाहर फेंक कर आई। अच्छा, दूसरी को बाहर फेंक कर आई। अभी दिखाता हूं तुम्हें कि मैं कायर नहीं हूं। अभी दिखाता हूं, ये देखो देखो कितना साहसी हूं मैं। पकड़ लिया मैंने सर। परंतु चिल्ला क्यों रहे हैं? रस्सी तो है। क्या? कभी हो गई ना बोलती बंद। अच्छा, अम्मा को बुला रही हो? बुलाओ बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले उनका पुत्र कितना साहसी है। जब देखो तब कोसती रहती हैं। अम्मा, अम्मा, ओ महेश्वरी। छोड़ दो, छोड़ दो। देखा अम्मा, हमेशा कहती है उठा लो उठा लो, आज कह रही है छोड़ दो। क्यों गुंडप्पे? अम्मा आश्चर्यचकित रह गए ना, देखा कितना साहसी हूँ मैं। अले लामा, तोल दे तोल दे, उलटती रही है तल पे तल। गुंडप्पे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये सर्प सर्प सर्प। अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। अरे अरे, मेरे हाथ से कोई सर्प का निकालो। अरे मैं तुमसे नहीं, अम्मा से कह रहा हूँ। अम्मा, अरे हम नहीं, अम्मा कह रहे हैं। बच गए, बच गए। अले लामा, क्या बच गए? तब तो अभी भी दल में ही है ना, वो कभी भी अतल में तल सकता है। हाँ हाँ, तू सत्य कह रहा है। ए गुंडप्पे, जा जा जाकर सर को पकड़, जा जा। नहीं, 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 मैं नहीं दूंगा, मैं तू दूंगा। ये क्यों जाएगा? आप जाइए, पुरुष बनिए। नहीं हूँ मैं पुरुष। नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि मैं सपेरा नहीं हूँ। मैं नहीं ढूंढूंगा सर को, नहीं ढूंढूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं ढूंढेंगे? हम सब घर के भीतर कैसे सोएंगे? कोई रात को आके हमें डस लिया तो। बोलो, ये भी खूब है, सर्प वहाँ अंदर है और हम यहाँ घर के बाहर बैठे। किंतु अम्मा, सोचने वाली बात ये है कि सर्प आया कहाँ से? आपके इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में सर्प जाति का प्रहार होगा। आज तुम्हारा बचना असंभव है कृष्णदेव राय, विष ही शस्त्र है। हमारे इस विषाक्त दूध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। Thank you.
समक्ष आइए, निकलिए बाहर। आप ओ चंद्रे, चंद्रे सजनी झूला झूलाएगी, साजन झूला झूलेंगे। चंद्रे झूला झूलाएगी। देखा मनी तूने, ये हमारे गुरु नहीं गुरु घंटाल हैं। हमें सड़क की निगरानी में लगाकर जी यहाँ पर चंद्रिका के स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न लोक में बुढ़ा प्रेम के झूले झूल रहे, इसे सांप काटे और हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, इसी बहाने पृथ्वी का कुछ बोझ कम होगा। जोगी जो है तेरा प्रेम रोगी। चंद्रे अपने तत्व को त्याग कर कहाँ जा रही हो? आओ अपने प्रेम की भंवर में हमें लपेट लो। चंद्रे अरे घड़ी मिलन की आई। आप यहाँ इस समय हमारे कक्ष में क्या कर रही हैं? वो हम महारानी तिरुमलम्बा ने आपके लिए दूध रखने का आदेश दिया था। महारानी चिन्ना देवी, तुम इस समय बिना अनुमति के महाराज के कक्ष में क्यों आई? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस प्रकार महाराज के कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता? वह महाराज के लिए दूध, महाराज दूध का सेवन कर चुके हैं। इस दूध को लेकर जाइए। और हाँ, होंगी आप छोटी महारानी तिरुमलम्बा की प्रिय प्रसादिका, परंतु अपनी सीमा को पार करने का दुस्साहस पुनः मत करना, ये ज्ञात रहे। जाइए यहाँ से। चंद्रे नागिन की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? मम्मी, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ध्वनि, ध्वनि, गुरुजी के गले में सर्प है क्या? नहीं नहीं पगले, ये सर्प होता तो अभी तक हमारा बुड्ढा परलोक सुधार गया होता। सर्प नहीं है। चल 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 देख 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 ध्यान से। नीचे नीचे सर, नीचे सर। गुरुजी, गुरुजी, सर। क्या बात है मेरे बच्चों, इतने भयभीत क्यों? अच्छा अच्छा हमारे क्रोध से भयभीत हो, उत्तम है। ये भय तुम्हारे मुख पर अच्छा लगता है। गुरुजी, हम जानते हैं कि हम तुम्हारे गुरुदेव हैं और तुम हमारे नालायक शिष्य। ये जो भय है सदैव अपने मुख पर बनाए रखना मेरे बच्चों। हर हर महादेव। स्वामी, आज तो आपने साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए। शिव जी का रूप? वो देखिए गुरु जी। क्या है हमारे गले में? हैं? अम्मा! सर्प! सर्प! जी स्वामी, सर्प! भगवान शिव के गले में सर्प ही तो होता है। हर हर महादेव। जय जय शंभु। हर हर महादेव। जय जय शंभु। वरुण वाला, हटाओ इसे। आप हमारी आरती उतार रही हैं, हमारे प्राण ले रही हैं। नागेंद्र हरा त्रिलोचनाय, महेश्वराय, ओम नमः शिवाय, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय।
क्या स्वामी पुनः ध्यान में चले गए? अद्भुत है हमारे प्रभु, अब इनका ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। विष ही शस्त्र है, परंतु ये कार्य ही नहीं हो पा रहा। हमारे भाग्य ने हमारा साथ पहले कभी नहीं छोड़ा। कृष्णदेव राय के जीवन को समाप्त करने में तुम हमारी सहायता करोगे। कलावती ने हमारे योजना को लगभग नष्ट कर दिया था जब उन्होंने महाराज से कहा कि उनके दरबार में कोई विषैला जीव है। अब तुम ही हमारे योजना को सफल बनाओगे और आरोप जाएगा कलावति पर। अब हम दोनों का विष तुम्हारे शरीर में है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हमारे सम्मिलित विष के प्रभाव को नष्ट कर सके और कृष्णदेव राय का जीवन बचा सके। आज महाराज कृष्णदेव राय का ही नहीं, महारानी चिन्ना देवी के जीवन का भी अंत हो जाएगा। विष ही शस्त्र है। चिन्ना देवी शांत हो जाइए, तनिक सा प्रसंग था। परंतु महाराज। शांत हो जाइए, यहाँ यहाँ बैठिए, बैठिए। अब बताइए किस बात को लेकर इतना व्याकुल हो रही हैं आप? पता नहीं महाराज, छोटी महारानी को उस चंद्रिका में ऐसा क्या भाग गया है? उन्हें राजमहल की मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है। उन्हें कुछ तो ध्यान रखना चाहिए ना। शांत शांत हो जाइए, इतनी सामान्य सी बात को लेकर इतना तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए थोड़ा सा। सत्य कह रहे हैं महाराज, परंतु आप जैसा धैर्यवान, शांत और सहनशील प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना। प्रयास कर रही है आप हमारे साथ। चिन्ना देवी! क्या हुआ महाराज? सर्प! महाराज सर्प 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 है, हम जानते हैं सर्प है। हम तो एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं, सर्प 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 है वहाँ पे। महाराज परंतु ये सर्प हमारे कक्ष में कहाँ से आया? इस बात का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? हमें कैसे ज्ञात होगा? हमने आमंत्रण नहीं दिया इसे। महाराज महाराज सर्प का कुछ कीजिए महाराज। महाराज, महारानी जी, आप दोनों को क्या हुआ? ऐसे ध्यान से किसे देख रहे हैं आप दोनों? सर्प। महाराज इसे बाहर निकालने का कोई तो मार्ग निकालिए। हम अवश्य जाइए। अच्छा, इसे बिस्तर से हटाना है। ये तो अत्यंत ही सरल कार्य है। महाराज, एक दो तीन चार। क्या? क्या? एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। महाराज जी, यहाँ पर विपदा हमारे समक्ष खड़ी और आप गणना कर रही हैं? नहीं नहीं महाराज, हम तो ये कह रहे हैं कि बस एक दो तीन चार करना है और ये सर महल से बाहर। कैसे? हम बताते हैं। एक एक चद्दर को पकड़ी। सावधानी से। दो सर के ऊपर डाल दीजिए। तीन अब इस चद्दर को लपेटना है। चार अब इसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को महल से बाहर फेंक देंगे। लीजिए, हो गया ना कार्य संपन्न? अद्भुत अद्भुत है आप। धन्य है आप और धन्यवाद है आपका कि आपने महारानी चिन्ना देवी के प्राणों की रक्षा की। हाँ, परंतु महाराज प्रश्न तो अभी भी वही का वही है। ये सर्प आया तो आया कहाँ से? आपके इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में सर्प जाति का प्रहार होगा। कृष्णदेव राय के भाग्य प्रबल है,
या हम दुर्भाग्यशाली हैं? अब कृष्णदेव राय की मृत्यु हमारे लिए एक चुनौती है। अब उनकी मृत्यु हम करके रहेंगे, क्योंकि विष ही शस्त्र है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.